शाहजहांपुर में सपा नेता के करीबी कफील ने अपनी पत्नी को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र का। चलिए ये बताइए कि कफील के खिलाफ जो 376-77 का मुकदमा ये दर्ज हुआ है और आपने शादी भी करी थी, लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई जो कफील ने आपकी इतनी मार लगाई? वो तो वही जानते होंगे क्यों मारते पीटते हैं, हमको परेशान करते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, बहुत गलत बातें करते हैं, गंदी गंदी बातें। मेरे मतलब उनके जो दोस्त हैं डिंपल सक्सेना और उनके भाई हैं, उन मतलब उनके साथ ये करो वो करो, और क्या नाम, इसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, उनके मतलब भाई जो का भी। उनके दोस्त हैं तो उनसे किस क्या कौन से संबंध बनाने को कहते थे? मतलब गलत शारीरिक संबंध जी। फिर जब ऐसा ना करो तो मारते हैं पीटते हैं बहुत बुरी तरीके से, बेल्टों से लात घूसे से तमंचे से सर पे रख देते हैं, उससे सर पे मारते हैं। फिर आपने किसको फोन करा था? फिर हमने महिला थाने में मैसेज किया था। अच्छा जी। फिर वहाँ से जो है पुलिस आई थी, फिर मौके पे ये मतलब हमको ढूंढ लिया उन लोगों ने, हमने कॉल नहीं की, उन लोगों ने मैसेज से ही ढूंढ लिया। फिर हम दोनों को ले आई, फिर महिला थाने से ही मेरे घर वालों को सूचना दी गई, मैंने नहीं दी। तो कफील को आपकी शिकायत पर ही पकड़ा गया? जी मेरी शिकायत पर पकड़ा गया। इसका मतलब पुलिस अगर ना जाती तो ऐसे मारते पीटते मार डालते मुझे। सुबह 4 बजे से मार रहे थे, 10 बजे पुलिस पहुंची है। मेरी आँख से इससे बहुत खून निकला बहुत, और पूरे शरीर में बेल्टों के निशान है, जिसके फोटो मैं आपको दे दूंगी, आप देखिएगा होश उड़ जाएंगे। कब की बात है ये? 4 तारीख की, 4 नवंबर सुबह 4 बजे।